आग पक रही थी वाले से कलेजी बना रहे हैं, तो कलेजी फ्राई करेंगे हम, और उसके लिए जीरा, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन और काली मिर्च और हसबे जायका नमक डालेंगे। इसको हम मिक्स करके इसको तवे पे रखेंगे और जो है फ्राई पैन में, इसके बाद जब ये बन जाएगी तो हम इसको पेश करेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये बनती है। इसके लिए दही तो 2 चम्मच लिया है और 3-4 चम्मच हमने ऑयल लिया है। तो हम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं इसमें नींबू और 2 चम्मच अदरक लहसुन, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, नमक हम इसमें बाद में ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर, ठीक है। गरम मसाला हमने रख दिया, वो भी हम बाद में यूज करेंगे। चम्मच में ऑयल डाल देंगे, 3 चम्मच कर देंगे, अच्छी तरह से मैरिनेट कर दीजिए। हमने दिल, कलेजी, गुर्दे सब चीजें शामिल है इसमें। बकरीद करीब आ रही है, उसी हवाले से आज हम एपिसोड बना रहे हैं इसका, तो आप देखिएगा बहुत आसान और बहुत ही लजीज। 2 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, 2.5 चम्मच। अब ये मैरिनेट हो चुकी है अच्छी तरह से, अब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे और आपको दिखा देते, इसको ढांप देंगे 5 से 10 मिनट में। इस कलेजी ज़्यादा देर बनती नहीं है, फौरी तौर पर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपको बता दूँ। मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड किया और कलेजी को हम जो है अच्छा, ये कलेजी का देखें अभी से कलर कितना जबरदस्त आ गया है और इंशाल्लाह ताला जो है ये 10 से 15 मिनट में कलेजी हम तैयार हो जाएगी। 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, कलेजी को ज्यादा नहीं पकाया जाता, इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया, नमक इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, हमने गरम मसाला उसको नहीं डाला था और नमक नहीं डाला था, ठीक है। तो ये गरम मसाला मैं ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन कलेजी ये तैयार हो चुकी है, इसमें मैं गरम मसाला ऊपर से ऐड करूँगा, ठीक है। और ये नमक हसबे जायका इसमें ऐड करेंगे, ये हमने तैयार करके रखा है। इसमें ये हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और तकरीबन अब ये कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है, 2 से 3 मिनट में हम उसको डिश आउट करेंगे और फिर टेस्ट करते हैं। अच्छा जनाब, हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको हम डिश आउट करते हैं। जी फरावा जी, आप लोग आए, आपसे काम है। जी भाई, आए सरावा जी, आप बैठे, आज मैं आपको खाना अपने हाथ से खिला रहा हूँ, बैठे हैं। मैंने आपके लिए बनाया है कलेजी और आज हमने सरप्राइज दिया है सरावा जी, फरावा जी को। आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप लेटी हुई थी, तो मैंने ये इनके लिए बनाया, सरप्राइज दिया इनको, ठीक है। मैं इनको अपने हाथ से खाना खिला दूंगा और ये बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, खाएं और बताएं क्या कैसा बना है। ये अपना रोटी पूरा साल आप लोग हमें खिलाते हो, जी। हमने सोचा कि आज आपको हम बिठा कर खाना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत मजे तो बन गए भाई, बहुत अच्छा। और अवली नींबू भी ले, हाँ ये भी ले, नींबू ले, ये भी ले, अदरक वगैरह डाले इसमें, खाए खाए जी, खाए रोटी से खाए और वैसे भी खा ले, सादा खा ले, ये लो रहमान को भी अच्छी लगी। आपको चाहिए पकड़,
अब आप बताएं कैसी बनी है कलेजी? बहुत जबरदस्त, अच्छी बनी है। बकरा ईद में हम ऐसे ही बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं इस रेसिपी को देख लीजिएगा कैसे बनी है, बहुत ही जल्दी और तरीके से बन गई और उसमें कोई चीज ऐसी खास शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।